राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल अब विधानसभा चुनाव के लिए अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत ही संगठन की मजबूती के साथ चुनावी सीटों पर खास फोकस और आम आदमी के प्रति आक्रामकता की रणनीति पर भी काम हो रहा है। इसी विषय को लेकर दिल्ली सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल पर जनता कैंप इलाके से वहां की स्थानीय जनता की राय जानते हुए हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने आम जनता से कुछ खास बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जनता कैंप में, जो कि बिल्कुल ही प्रगति मैदान के पास मौजूद है। मैं सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव पे लेके यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे जानेंगे कि किस तरह से 5 सालों में पिछली सरकारों ने क्या कुछ काम करा है, जिसको लेके ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रंजन कुमार जी। तो 5 सालों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों मुख्य पार्टियां हैं, तो क्या लगता है 5 सालों में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे करा है? अगर दिल्ली की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे। आम आदमी की पार्टी है, सरकार है, सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं, मगर आम आदमी पार्टी का जो करना चाहिए था वो काम उसने किया नहीं है। सबके घर की महिलाएं तो नौकरी नहीं कर रही हैं, उसमें बस फ्री कर दी है उन्होंने, और सबके घर की महिलाएं डेली जाना आना तो है नहीं। ये तो हैंडीकैप वालों के लिए होना चाहिए था कि उनके लिए सबसे अच्छा होता, और वही किराया जो आदमियों को लग रहा, अगर वही किराया हाफ कर दिए होते तो लेडीज़ भी जाए, जेंट्स भी जाता, दोनों को जो है पड़ते आधा आधा, तो वो सबसे अच्छा हमारे हिसाब से था कि ऐसा काम होना चाहिए था। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए जिस तरह से बस फ्री की गई है, अगर घरों की बात करें 200 यूनिट बिजली भी फ्री की गई है, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा है आप लोगों को? सर, 200 यूनिट बिजली फ्री करी गई है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे आप 200 यूनिट या कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही किसी की, 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिल आ रहे हैं एक एक महीने में, किसी पे तो इतना बड़ा बोझा रख दिया जा रहा है, किसी पे तो बिल्कुल जीरो आ रहा है। उसको चेकिंग करा जाए कि यहाँ की क्या कितना क्या चला रहा है। लोग बाग कैंप लगाए आधार कार्ड बनवाने के लिए, उसमें किसी का कोई काम शुद्ध ना हुआ है, ना बच्चों को राशन कार्डों में नाम चलने के लिए, इन चीज कामों को बिल्कुल किए नहीं है। ये काम जो होना चाहिए ये काम तो करे नहीं है। ये काम बहुत ज़रूरी था कि बच्चों का जैसे कैंप लगाए, आधार कार्ड हर चीज़ बन के उनका आना चाहिए था, आईडी वो भी नहीं हुआ, पहचान पत्र लोगों को बनवाए, मीटर के फार्म भरवाए, जिसको हटाना है मीटर उसको मीटर नहीं हटे, जिसको लगाना है मीटर उसके नहीं लगे, क्या काम करें। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि दिल्ली की जनता के लिए वो लगातार पिछले 5 सालों से काम कर रही है और आगे भी वो करती रहेगी। जिस तरह से वो कर रही है, लगातार वो कह रहे हैं कि पानी जो है आम जनता के लिए वो फ्री में भी दे रहे हैं, बिजली जो है फ्री में दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ पानी फ्री में दे रहे हैं, ये पानी जो ये फ्री में दे रहे हैं, ये पानी आके मेरे साथ ये पिए, मैं समझूं कि हाँ कि ये गंदा इतना पानी ये पी रहे हैं मेरे साथ में, ये जीवन मेरे साथ में कर रहे हैं, पब्लिक के साथ में है, जनता के साथ में है, जब हम मानता हूँ कि यहाँ की जनता के सेवक हैं ये। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, सरकार तो से क्या अपील करेंगे आप? अपील क्या, यहाँ पे आप नाली का पानी का निकास एक ही रास्ता है, ना तो एक नाला ये सही से बन पा रहा। बात करने के लिए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो नज़दीक है उसको लेकर इनकी क्या कुछ राय है। यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है? सर, दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, सर हम इस काम में संतुष्ट नहीं है। जब से केजरीवाल जी अंदर गए हैं या जो भी कुछ फंडा जो हुआ है उनका, वो क्लियर नहीं है। पहले देखिए, मेरा पहला बिल 1100 रुपये 0% आता था, आज की डेट का बिल मेरा 2700-2800 रुपये बिल आ रहा है, जिसके अंदर मैं कंपनी के फ्रिज चला रहा हूँ। उन फ्रिज की गारंटी कंपनी ने दे रखी है कि मात्र आपका बिल 100 से ऊपर 200 से नीचे नहीं आएगा, ये बराबर चलेगा। पर आज 2700-2500 जगह मैं बिल भर रहा हूँ खाली मात्र इसके लिए। और जब से हमारे सांसद जी हमारे जीते हैं, आज तक उन्होंने कभी आके यहाँ पे झाँका नहीं कि हमारे क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। हमारी निगम पार्षद जी आती हैं, वो झाँक के चली जाती हैं, हाँ जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज तक वो भी नहीं हुआ। और रही विधायक साहब की बात, तो उनको तो पूछो मत, विधायक साहब को आज तक किसी जानते हैं नाम, पर किसी ने देखा नहीं कि विधायक साहब है कौन, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि इसे बचा दिया या तोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि वो जनता के लिए काम कर रही है, जनता की जितनी भी परेशानियां उस पर वो कार्य कर रही है। अब अगर बारिश की बात करेंगे तो बारिश का महीना है, तो यहाँ पे बारिश को लेके जो साफ सफाई भी की जाती है ताकि यहाँ पे कोई जो लोग रहते हैं उनको किसी भी चीज से कोई दिक्कत ना हो, जिस तरह से वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती है। सर, वाटर लॉगिंग आप देखना चाहेंगे, मेरी दुकान है आपको दिख रही है,
इसका वाटर लेवल अभी एक हफ्ते पहले बारिश आई थी जिसके अंदर की मेरे चारों आटे कट्टे जो पूरी तरह डूब चुके थे। 3 दिन तक पानी यहाँ पे हाउसफुल रहा और अब भी पानी फुल है। आप नालियाँ वगैरह चेक करेंगे पानी फुल है। यहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं है। हम लोग दिन रात बस ये रोते हैं कि बारिश कब होगी और कब हमारा नुकसान होगा। आधी पब्लिक तो नाइट में जगती है कि बारिश होगी तो हम कैसे अपना सामान बचा पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे। हमारे किसी भी सरकार से कोई भी हमको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। बस हम अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल पाया। हम अपने जीवन जी रहे हैं सर, और कुछ नहीं हो पा रहा हमारे साथ में। शुक्र से हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, क्या कुछ इनकी राय है जो जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है इनके लिए, और क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है इसको लेकर क्या कुछ राय है। भाई क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। तो क्या कहना चाहोगे, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो क्या लगता है यहाँ पे किस तरह का कार्य जो आम आदमी पार्टी जब तक करा है? यहाँ पे सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही आएगी भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इस क्षेत्र से भी। विधानसभा यहाँ के प्रवीण कुमार हैं MLA, वही आएंगे इस बार भी। तो आप यहाँ पे बीजेपी की लहर लगातार, लोग कह रहे हैं, यहाँ पे हमने लोगों से बात करी है, कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार जो आने वाली है यहाँ के काम से जो है लोग खुश नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पे जब बरसात होती है तो यहाँ के जो नाले हैं वो फट जाते हैं, यहाँ पे पानी की दिक्कत होती है काफ़ी। देखो वो तो भाई समस्या तो है, लेकिन अब उसके लिए भी समस्या तो समाधान भी नहीं हो सकता है ना, ऐसी समस्या ही है। समाधान होगा तो फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। अगर करवाने चाहे तो MLA करवा सकते हैं, लेकिन अब वही है कि ना आम आदमी पार्टी का तो अभी तक करवाया नहीं। लेकिन ये है कि बरसात होती है तो वो लोग जनरेटर भेज देते हैं, तत्कालीन सेवा कर देते हैं, जिससे राहत मिल जाती है। क्या लगता है तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा से आएगी? हाँ सर आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, आएगी, बिल्कुल आ सकती है यहाँ से। टक्कर में कौन है आम आदमी पार्टी के, जिस तरह से बीजेपी भी दावे कर रही है, कांग्रेस भी है? कांग्रेस का तो देखो सर अभी यहाँ का उम्मीदवार ही नहीं पता कि MLA कौन है यहाँ से इस बार, क्योंकि पिछली बार फराज सूरी जी थे, वो तो हार गए। अगर फराज सूरी जी खड़े होंगे तो इस बार हम वोट उन्हीं को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले यहाँ के लिए बहुत काम करा हुआ है, वो कांग्रेस के हैं। खुश हैं आप आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है? नॉर्मल है, मतलब खुश भी नहीं है दुख भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, बीच में उनके काम से। तो आप पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को ही करेंगे? हाँ, अगर बीजेपी का आके अगर उन्होंने करा कुछ काम तो हम उनको भी दे सकते हैं। हमें काम से मतलब है, नेता से मतलब नहीं है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं अभी तक सिर्फ काम कर रहा है, बीजेपी ने कोई नहीं आया, बीजेपी आई नहीं यहाँ पे एक भी बार। सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस बनी थी, लेकिन केजरीवाल जी की लहर में तो कांग्रेस चली गई थी। अब दोबारा कांग्रेस इस जगह से बन सकती है, अगर इस बार दोबारा अगर कांग्रेस से कोई MLA खड़ा हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनेगी इस सीट से। हमारे साथ बात करने से यहाँ पे मौजूद लोगों से हम लगातार बात करें, यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन। सर किस तरह से देखते हैं कि 5 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक, अगर हम बात करें तो दोबारा से आप आम आदमी पार्टी की सरकार को देखेंगे या फिर बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि उनकी सरकार आएगी? आम आदमी पार्टी आम काम कर ही रहा है, सुविधा दे ही रहा है, जो भी परेशानी होती आ ही रहा है, तो जो हमारी परेशानी को देखेगा वो उसी करेंगे। हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है कार्य नहीं कर रही है, कोई भी काम नहीं है, बरसात होती है यहाँ पे जो नाली भर जाती है, यहाँ पे काफी दिक्कत होती है लोगों को। नाली तो पूरे देश में भर रहा है, क्या करोगे, बारिश से एक जो हो रही है पूरा देश परेशान है मेरा, यहाँ देश विदेशों परेशान है। तो क्या तीसरी बार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, तीसरी बार भी आप आम आदमी पार्टी की ही सरकार देखेंगे? हाँ जरूर देखेंगे, लोग जो जिनके दिमाग में आएगा जो देखेंगे जरूर देखेंगे। आज तक ये हो गया आपके कहना से हमारे संसद में कई बार दो बार चुनाव उन्होंने जीता, एक बार नजर नहीं आए। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी के सांसद यहाँ पर आते हैं या फिर यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो वगैरह यहाँ पे आते हैं देखने के लिए? हाँ हमेशा आते रहते हैं, अभी देखो वहाँ पानी भरा में उनकी मशीन लगी हुई है, पानी निकलने के साधन है कि उन्होंने मशीन ला के वहाँ पर खड़ा कर दिया, जब जरूरत होगा तेल लगा कर दिया, अपना मशीन चला करके पानी निकालते रहो। तो आप पूरी तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी जिस तरह से इधर काम कर रही है? संतुष्ट हैं। और अगर बात करें बिजली को लेकर, तो जिस तरह से बिजली फ्री में दे रही है, लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे रही है, लेकिन 200 यूनिट बिजली कोई मायने नहीं रखती, उससे ज़्यादा कि उनके यूनिट बिल आ रहे हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है कि जितने यूनिट आ रही है उससे ज़्यादा 1500-1300 की यूनिट बिजली जो आ रही है उनकी। फैक्ट्री तो चला नहीं रहे हैं, हमको तो बत्ती जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम यहाँ पे मौजूद लगातार लोगों से बात कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, क्या कुछ इनकी राय है कि विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरह से विधानसभा चुनाव पे क्या कुछ तैयारी रहेगी। लगातार यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ही तीसरी बार भी सरकार में आने वाली है। MKN न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।